एबिस, एक ऐसा रेसलर जिसे एक समय में अन्य रेसलर देखना ही पसंद नहीं किया करते थे क्योंकि वह काफी ज्यादा भयानक दिखता था। मिस्टर क्रिस्टोफर जोसेफ पार्क, जिनका जन्म अक्टूबर 4, 1973 को हुआ था, उन्होंने एबिस के किरदार को अमर कर दिया। वह अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर में बहुत बड़ा नाम थे और इम्पैक्ट रेसलिंग में तो वह बहुत ही बड़ा नाम थे, जिसे उस समय टोटल नॉनस्टॉप एक्शन रेसलिंग TNA से जुड़े हुए थे और TNA में वह एबिस नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। तो आइए आज मिस्टीरियस बुक के इस अंक में जानते हैं एबिस के बारे में। मगर आज का अंक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मिस्टीरियस बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रोचक वीडियो के अपडेट भविष्य में भी पाने के लिए। तो आइए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं एबिस के बारे में। हाल ही में खबर आई थी कि एबिस और संजय दत्त ने TNA इम्पैक्ट रेसलिंग को छोड़ दिया है और दोनों ने TNA इम्पैक्ट रेसलिंग को साथ ही छोड़ा और अब दोनों को WWE ने साइन कर लिया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि दोनों रेसलमानिया 35 से पहले WWE में नजर आ जाएंगे। कई WWE विद्वानों की माने तो एबिस बहुत जल्द WWE में दिखाई दे सकते हैं। आजकल एबिस WWE के NXT ब्रांड में ट्रेनर के रूप में जुड़े हुए हैं और ट्रेनर का काम कर रहे हैं। पुराने समय में इम्पैक्ट रेसलिंग के समय एक जबरदस्त स्टोरी लाइन देखने को मिली थी जहां पर हल्क होगन आकर एबिस को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें अपनी हॉल ऑफ फेम वाली रिंग देते हैं। कहते हैं कि इस रिंग में कई शक्तियां हैं, इस रिंग को लेने के बाद एबिस काफी शक्तिशाली हो जाते हैं। भले ही यह स्टोरी लाइन का हिस्सा हो पर रिंग लेते ही एबिस इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वह हल्क होगन के एक इशारे पर किसी भी रेसलर का सर फोड़ने को उतारू रहते थे। कहा जाता है अपने समय में एबिस ने कई बड़े बड़े रेसलरों के साथ पंगा ले लिया था और एबिस इम्पैक्ट रेसलिंग में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक काम करने वाले रेसलर थे। उनके बराबर काम तो किसी भी रेसलर ने इम्पैक्ट रेसलिंग में नहीं किया था। इसके साथ ही मिक फॉली के साथ उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़बरदस्त रही थी। आप लोग मिक फॉली के बारे में तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। अपने समय में हार्डकोर मैच देने में मिक फॉली भी पीछे नहीं रहे हैं और अपने समय में मिक फॉली के मैच काफ़ी खून खराबे वाले होते थे। लेकिन जब बात करें TNA इम्पैक्ट रेसलिंग की तो उसमें भी एबिस और मिक फॉली के बीच काफ़ी खून खराबे वाले मैच देखे गए थे। यहाँ तक कि कई बार तो इतने भयानक मैच हुए जिनके लिए कई बार डॉक्टर को बुलाना पड़ गया था। कुछ नए लोग मिक फॉली के बारे में नहीं जानते होंगे, उन्हें मैं बता दूं जो WWE में मैनकाइंड और कैक्टस जैक के रूप में आते थे वही तो मिक फॉली थे। मिक फॉली अपने समय में बेहद ही खतरनाक रेसलरों में शुमार किए जाते थे और इम्पैक्ट रेसलिंग में एबिस भी कम नहीं थे। कहा जाता है इम्पैक्ट रेसलिंग के दिनों में एबिस ने जेफ हार्डी को भी जमकर कूट डाला था और अपने समय में काफ़ी हार्डकोर मैच दिए थे। जेफ हार्डी के साथ उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी लंबे समय तक चली थी। अपने समय में इम्पैक्ट रेसलिंग के दिनों में एबिस बहुत बड़े रेसलरों के रूप में जाने जाते थे और इम्पैक्ट रेसलिंग के सबसे खतरनाक रेसलर के रूप में उन्हें गिना जाता था। उनके मैच इतने जानलेवा और खून खराबे वाले होते थे कि लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा नफरत किया करते थे। एबिस के बारे में कहा जाता है कि वह रेसलमानिया 19 से पहले ही WWE में ज्वाइन होने वाले थे पर किन्हीं कारणवश एबिस ज्वाइन नहीं हो पाए थे क्योंकि उस समय मास्क्ड रेसलर के लिए कोई स्टोरी लाइन लिखने वाला WWE में नहीं था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा NWA वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाले दो मास्क रेसलर हैं और उनमें से एक खुद एबिस हैं। एबिस के नाम NWA वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट जीतने वाले रेसलर के रूप में लिया जाता है। यह बात जान के आप लोग सौगड़ हो जाओगे दोस्तों कि TNA हॉल ऑफ फेम इम्पैक्ट रेसलिंग में कुल 7 रेसलरों को शुमार किया गया है जिनमें से एक तो खुद एबिस हैं। इन 7 रेसलरों के नाम निम्न हैं: स्टिंग, कर्ट एंगल, जेफ जेरेट, अर्ल हेबनर, गेल किम, टीम 3D और खुद एबिस। TNA हॉल ऑफ फेम में शामिल होना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों क्योंकि यहाँ गहरे गहरे रेसलरों को शामिल नहीं किया जाता, यहाँ उन्हीं रेसलरों को शामिल किया जाता है जिनमें कुछ विशेष बात होती है। आप लोग शानदार मूछ वाले रेसलर मिस्टर डच मेंटल को जरूर जानते होंगे। डच मेंटल ने ही एबिस को एबिस गिमिक अपनाने के लिए सहायता की थी और उन्होंने उन्हें ऐसे दिशा निर्देश दिए थे कि एबिस तो
खुद एबीजी हो गए। इम्पैक्ट रेसलिंग वालों को जैसा रेसलर चाहिए था उन्होंने वैसा एबिस को बना दिया था। अपने समय में एजे स्टाइल और एबिस के मैच तो काफी शानदार हुआ करते थे टीएनए इम्पैक्ट रेसलिंग में। आप लोगों को पता होगा कि एजे स्टाइल भी टीएनए इम्पैक्ट रेसलिंग में रेसलिंग कर चुके हैं और उस दौरान एबिस और एजे स्टाइल के मैच तो काफी शानदार थे। उस दौरान एजे स्टाइल का लुक भी काफी अलग था। कहा जाता है एबिस की छवि एक ऐसे रेसलर के रूप में बन गई थी जो मोस्टर नुमा बेहद ही पागल किस्म का रेसलर दिखाई देता था और एबिस ऐसे ही लगते थे। एबिस के सामने कोई छोटा मोटा रेसलर टिकी नहीं सकता था। आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि एबिस एक साथ दो दो किरदार निभाया करते थे। यह एबिस का टैलेंट ही था कि जहां एक ओर वह एक पागल सन की रेसलर के रूप में आते थे, वहीं दूसरे रूप में वह एबिस के भाई के रूप में आते थे जिसे जोसफ पार्क के रूप में जाना जाता था। 48 साल के एबिस आज भी काफी हट्टे कट्टे हैं और WWE वालों को दोबारा उन्हें एबिस के रूप में अब WWE में मौका देना चाहिए, क्योंकि एबिस इंपैक्ट रेसलिंग को छोड़ चुके हैं और WWE ज्वाइन कर चुके हैं। WWE इस समय काफी मुसीबत में है क्योंकि WWE के सामने एक ऑल इलाइट रेसलिंग नाम की कंपनी आ चुकी है। ऐसे में WWE वालों को चाहिए कि कुछ तगड़े और काफी होनहार रेसलरों को इस समय WWE में मौका देना चाहिए। आप लोगों की एबिस के बारे में क्या राय है? क्या आपने भी कभी एबिस का देखा है? अगर देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें उम्मीद है आपको आज का अंक पसंद आएगा। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक अंक में एक नई मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूं आप सभी से विदा। नमस्कार।